नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मेरे दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी चार नंबर वालों के बारे में। चार नंबर वाले कैसे होते हैं, क्या होता है उनका स्वभाव। वैसे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स पता होगी, लेकिन बेसिक उनका जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो या तो एकदम शांत होते हैं और या तो एकदम बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। लेकिन चाहे वो शांत हों चाहे वो बड़बड़ करें, एक ही चीज़ पे उनका हमेशा ध्यान रहता है कि किसी भी काम को जिसको हाथ में लिया है उसको परफेक्ट तरीके से कैसे किया जाए। ये इनका बेसिक नेचर होता है। बहुत सेटल्ड होते हैं ये और बहुत ही नियम कानून बताने वाले होते हैं, नियम और कानून को फॉलो करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। काम अगर करेंगे तो काम इनका ऐसा है कि काम ही इनका माँ बाप है, काम ही इनका पति पत्नी है, काम ही इनका बच्चा है, काम ही इनका दोस्त है, सब कुछ है। आपने एक बार इनको प्रॉमिस किया कि शाम को मिलना है या पार्टी में आना है, और अगर इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये आपके चाहे पति हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि बिना काम कंप्लीट किए वो नहीं आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दो दो तीन तीन दिन तक सूर्य अस्त हो जाता है और दूसरे और तीसरे दिन का भी सूर्य निकल जाता है, लेकिन ये काम में इस तरह से डूबे रहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट हो इनके हाथ में, जो भी असाइनमेंट हो इनके हाथ में, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, मैं उस काम की बात कर रही हूँ, उसको परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं वो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, चाहे वो मैकेनिक हों। अगर आपने उनको अपनी गाड़ी दे दी है बनाने की, तो वो तब तक आपको गाड़ी नहीं देंगे, भले वो दो दिन लेट हो जाए, चार दिन लेट हो जाए। आप अगर उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो आपसे कई बार आर्ग्यूमेंट भी कर लेंगे, और आपको जो जवाब वो देंगे तो आपको लगेगा नहीं ये बंदा सही कह रहा है। और अगर आप उनको गाली भी देते रहेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि वो चुप रहेंगे। दो नेचर इनका ऐसा होता है। लेकिन जब भी वे काम आपको देंगे तो आपको खुद को पश्चाताप होगा कि मैंने उसको बेचारे को क्यों बोला, क्योंकि उसने तो अपना काम बहुत परफेक्ट तरीके से किया। हाँ, थोड़ा टाइम लिया लेकिन परफेक्ट तरीके से किया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये कोई भी काम में और अपनी धुन में ही रहने के कारण कई बार ये क्या होता है कि बहुत मीठे नहीं होते, बहुत मीठा बोलने वाले नहीं होते हैं, फैक्ट बोलने वाले होते हैं ये। कई बार इनकी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, और ये इनका एक स्वभाव होता है कि मतलब अगर ये कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे तो आप इस बात को समझ जाइए कि वो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, वो पूरा नहीं होने वाला है। और अगर वो पूरा हो गया तो उसको आप कुदरत का एक बहुत बड़ा कमाल समझिएगा। तो ये तो इनका बेसिक जो नेचर है वो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है कि वो चार नंबर वाले कैसे होते हैं। तो चार नंबर वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको फालतू की बात करना अच्छा नहीं लगता, उनको अगर आप इधर उधर की बात अगर कोई घुमा फिरा के कहता वो नहीं अच्छा लगता, और अपने काम में डूबे रहने वाले लोग होते हैं। और प्रेम का जो है वो इनके अंदर थोड़ा सा कम रहता है, और कभी कभी जब इनके अंदर जगता है तो वो इसलिए जगता है कि अरे यार हाँ, प्रेम भी एक लाइफ का एक बहुत स्ट्रांग और पावरफुल फैक्टर है। और जब उस समय उनको उस प्रेम की याद आ जाती है तो वो आपसे मिलने के लिए चले आएंगे। लेकिन वो मिलने के लिए अगर आपसे चले आते हैं तो ये मत आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा वो आपके लिए फ्लावर्स लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, या बहुत ज़्यादा जब वो घर में एंटर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो फोर नंबर है उसका फाउंडेशन, उसका स्ट्रांग फाउंडेशन ही उस किसी चीज़ को बनाना और किसी चीज़ का निर्माण करना है। ये ऐसे लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं
जो किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उसका निर्माण करने के लिए, उसका इन्वेंशन करने के लिए दुनिया के हर रिश्ते को और दुनिया के की जो प्रोसेस है, डे नाइट प्रोसेस, उसको भी वो भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके अगल बगल हो, आपके घर में हो, अगर उनका इस तरह का बिहेवियर हो, तो आप एक बात समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं डीप डाउन परहैप्स वो किसी न किसी इन्वेंशन में लगे हुए हैं। तो चाहे वो आपको बहुत ही लथार्जिक दिखे कि वो तो कुछ काम करता नहीं, कुछ काम वाम तो करता नहीं, लेजी सा है, पड़ा रहता है, कभी भी आता है जाता है, ऐसा है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भी ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि वो कुछ ना कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। वो सक्सेस हो या सक्सेस ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बिल्डअप करते रहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 5 के साथ मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ में अभी तो आपको मैं नंबरों का बेसिक जो है नेचर वो बता रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊँगी। ज़्यादा डिटेल बताने से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं कि और अपना काम करना जो रहता है वो भूल जाते हैं। तो जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी और बहुत ही बेसिक बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इनमें कुछ सच्चाई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।